एक तरफ पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी का वादा पूरा नहीं होने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी पर आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले किसानों को रिझाने के लिए तमाम तरह के वादे राजनीतिक दल करते हैं। ऐसा ही वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से किया था कि दोबारा सत्ता में लौटती है तो 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनका गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन स्थिति अलग है। हम यहां पर मौजूद है आगर मालवा की एक कृषि उपज मंडी है जहां पर किसान अपना माल खरीद बेचने के लिए लाते हैं और ये काफी सारे किसान गेहूं लेकर आए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पंजीयन की क्या स्थिति रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एलकार सिंह। एलकार सिंह, कौन से गांव रहते हो? मल्लूपुरा रहता हूँ। एलकार सिंह जी, बताओ आप कितना आपने गेहूं लगाया था और कितना खर्च वगैरह हुआ आपका? मैंने 15 बीघा का गेहूं लगाया था। हाँ। और 40,000 रुपए का खर्चा हो गया है। हाँ। और ये अभी 5 बीघे में ये ट्रॉली भर के लाया हूँ। बस तो आप ये बताओ एलकार सिंह, आपने पंजीयन करवाया गेहूं को? करवाया ना। कितना रुपए क्विंटल का पंजीयन हुआ आपका? 2275 रुपए प्रति क्विंटल का। आपका वादा क्या हुआ था? 2700 का वादा हुआ था। अब क्या महसूस कर रहे हैं जो पंजीयन हुआ? महसूस क्या, धोखा हुआ है थोड़ा सा। किस तरह से? भाव के मामले में 2700 का बोल के ने 2275 की खरीदी कर रहे हैं। और भी किसान यहाँ पर मौजूद है। कहाँ रहते हैं आप? इंडिया। उमरिया? कुबड़िया है। कुबड़िया खेड़ी। पना सिंह जी, बताओ आपने पंजीयन करवाया गेहूँ का? करवाया। तो फिर आज गेहूँ ट्राली जल्दी क्यों बेचने ले आए? पैसे की जरूरत है। पैसे चाहिए, पैसे की जरूरत है। वो क्या लगता है कि जो वादा हुआ था और अब पूरा नहीं हो रहा? 2700 का पंजीयन गुम भी गया तो 2275 पंजीयन है और बोनस भी मिलेगा, तो कुछ भी नहीं है। 2275 ही। और अभी खरीदी भी चालू नहीं हुई। अब गेहूँ आ गए तो पैसे चाहिए तो बेचना तो पड़े। क्यों जरूरत पड़ रही पैसे की? क्या खर्च हो रहा है? घर पे काम है, शादी है, कर्जा भी देना पड़े, लोग बाग मांगते हैं घर पे आते। अच्छा, और भी किसान है आपसे, आपका नाम बताइए। पंकज मालू तिलवाड़ी। पंकज, आपने करवाया था पंजीयन? जी पापा ने करवाया, मेरे को मालूम है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि किस तरह का आपको नुकसान महसूस हो रहा है? जैसे ठंड का माहौल पड़ा था, मौसम अब गाँव सब बढ़ गए तो फसल भी ज्यादा हो नहीं रही। बीघा का 2-3 क्विंटल बैठ रहे तो किसानों को नुकसान हो रहा है। तो मतलब उत्पादन में भी नुकसान और भाव में भी नुकसान है? भाव में भी नुकसान, भाव भी नहीं आ रहा। भाव भी नहीं आ रहा। सरकार ने जब वादा किया 2700 का, तो फिर 2700 लेना चाहिए नहीं? यूरिया 45 किलो का कर दिया 50 किलो की बोरी के बजे, तो फिर क्या करेगा किसान? ये आप बताओ। अब गेहूँ 5 क्विंटल से 8 क्विंटल बैठ रहे सभी किसान हो गए। मौसम खराब से गेहूँ की पैदावार कम है, भाव भी नहीं मिले, पैसे भाव भी कम है और पैदा भी कम है। उत्पादन और भाव दोनों तरफ से आप लोगों को नुकसान उठाना, दोनों तरफ से उठाना पड़ रहा नुकसान। 2275 बीघे का 8 क्विंटल निकल रहे हैं यार, खर्चा हो जाता है इतना, तो खर्चा हो रहा है। किस तरह का खर्चा? आपकी कितनी खेती? डीए भी डाले। आप कौन से गांव रहते हो? मकला, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है आपका? श्यामला। श्यामला, कितनी जमीन आपने गेहूं में लगभग कितनी जमीन में आपने गेहूं किया था और कितना खर्च वगैरह हो गया? किस तरह का नुकसान आपको? अब 10 बीघे जमीन में अगर हम खर्चा देखे तो कम से कम 25-30 हजार का खर्चा हो जाता है A to Z। और 8 बीघे के हिसाब से अभी मौसम के डिफॉल्ट के कारण फसल डाउन हो गई है। अब 8 बीघा अगर गेहूं निकले तो किसान उसमें उसका खर्चा दे या उसका खर्चा निकाले या मजदूर निकाल के मतलब फसल निकाले तो उसका दे, उसमें क्या क्या करेगा? तो क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं और क्या कुछ तो होना चाहिए। जो रेट 2700 का भाव, वो भाव सरकार को खरीदना चाहिए तो किसानों को जो रेट है वो तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2275 में सरकार ने वो तो गारंटी दे दी, गई गारंटी उनकी, उनकी सर उनका उन लोग सीधा कर लिया उन्होंने और उनकी गारंटी गई, कोई मतलब ही नहीं है। तो किसानों का गुस्सा साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्पादन में उनको कमी तो हुई है मौसम की मार और ओलावृष्टि वगैरह से, ये तो नुकसान हुआ ही है। लागत खर्च वगैरह भी उनका नहीं निकल पाया, जो वादा उनसे किया गया था 2700 रुपये प्रति क्विंटल का, वो भी पंजीयन नहीं हो पाया। इसलिए किसानों का जो गुस्सा है बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है उनके लफ्जों में और उनके चेहरे पे। अब जरूरत इस बात की कि सरकार किसानों की इस मांग को गंभीरता से ले और कोई ऐसा पैकेज या फिर कोई ऐसी गली निकाले जिससे किसानों को राहत मिल सके। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।